Since I'm here with a very important topic in poetry, English poetry, that is poetry devices. तो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पोएट्री डिवाइसेस होते क्या हैं। पोएट्री डिवाइसेस जनरली उन वर्ड्स को कहा जाता है या उन चीज़ों को कहा जाता है जो एक पोएट्री को बहुत ही खूबसूरत बनाता है, उसको मीनिंगफुल बनाता है और उसको हम डीप में जाकर इसके माध्यम से समझ सकते हैं। आज हम कुछ कॉमन पोएट्री डिवाइसेस के बारे में जानेंगे, जैसे कि सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबली, उसके बाद एलिट्रेशन, रिपीटेशन, ऑनोमेटोपोया। उसके बाद हमने एक पोएम डिस्कस किया था गुलमोहर क्लास 8 का, जिसका नाम है अनफोल्डिंग बर्ड, रिटन बाय नाओसी कोरियामा। तो उसमें भी हम लोग देखेंगे किस तरह का पोएट्री डिवाइसेस यूज़ किया गया है। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिमिली से। सिमिली में क्या है कि यह डायरेक्ट कंपैरिजन ऑफ टू अनलाइक आइटम्स यूजिंग लाइक और एज, यानी कि दो अलग अलग चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं यूजिंग वर्ड लाइक और एज या लाइक वर्ड के द्वारा, अगर दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सिमिली। ठीक है, एज ईजी एज पाई। ठीक है, ही इज़ लाइक अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो लाइक और एज से जो हम कंपेयर करेंगे, डायरेक्ट कंपेयर करेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं सिमिली। सेकंड नंबर देखते हैं मेटाफर। मेटाफर अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच थिंग्स आर कंपेयर्ड बाय सेइंग वन थिंग इज अनदर। यानी कि अगर हम इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर डेफिनेशन अगर बोल रहे हैं तो मेटाफर में क्या होता है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं। इसका नाम इम्प्लाइड सिमिली भी है। इम्प्लाइड सिमिली का मतलब हिडन सिमिली। जैसे टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी में हम लाइक और एज जैसा वर्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम समय और मनी को कंपेयर कर रहे हैं और ये इनडायरेक्ट कंपैरिजन है। ठीक है, इसमें ऐसा लग नहीं रहा कि कोई कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है और हम जो है टाइम को मनी बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड आपका आता है पर्सनिफिकेशन। ठीक है, थर्ड पर्सनिफिकेशन आप देख लीजिए। व्हेन ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स आर गिविंग टू नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और एनिमल्स, यानी कि हम किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स या एनिमल्स को अगर ह्यूमन क्वालिटीज़ को देते हैं, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मदर गंगा, हम लोग को मालूम है गंगा एक होली रिवर है जो कि नॉन लिविंग है, फिर भी हम उसको मदर बुलाते हैं, यानी उसको ह्यूमन बींग समझते हैं। तो जहाँ भी इस तरह की बातें आएगी, जब हम किसी नॉन लिविंग या एनिमल्स को या किसी जो नॉन ह्यूमन है उस चीज़ को अगर ह्यूमन क्वालिटीज़ देते हैं तो ये पर्सनिफिकेशन आता है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है द स्टार डांस्ड। स्टार्स होते हैं नॉन लिविंग होते हैं और डांस्ड नाचते हैं, नाचे या नाच रहे हैं या नाचते थे। तो ऐसा हम कह रहे हैं कि नहीं, स्टार को हम ह्यूमन क्वालिटी दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर स्टार को पर्सनिफाइड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब होता है कि जब हम चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं आई हैव मिलियंस ऑफ पेन्स इन माई होम, मेरे पास लाखों पेन है घर में। मेरे पास है कि नहीं है, लेकिन मैंने बात को जरा एग्जैगरेट कर दिया, यानी बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। ग्रेट एग्जैगरेशन का मतलब ही होता है कि आप बात को कुछ बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, ईट अ हॉर्स, मैं भूखा हूँ और मैं जो है एक घोड़ा खा सकता हूँ, ऐसा बोल रहा है। इसका बोलने का मतलब है कि बहुत भूखा है, कुछ भी खा सकता है। ठीक है, तो भूख में आदमी कुछ भी खा सकता है, इसका मतलब ये है। तो ऐसा तो होता नहीं कि भूख में आदमी हाथी घोड़ा खाने लगे, तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। ठीक है, तो ये एग्जैगरेशन है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएट्री डिवाइसेस है और बहुत आसान भी है। क्या है इसमें, रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स विद द सेम बिगिनिंग साउंड्स। जब रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स विद द सेम बिगनिंग साउंड, यानी बिगनिंग्स का जो साउंड है, साउंड हम देखते हैं लेटर से। ठीक है, दो तरह का साउंड होता है इंग्लिश में, वोवेल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड।
इसमें जो कॉन्सोनेंट होगा, जैसे यहाँ की बेकीज़, बीगल, बाग्ड, यानी बेकी में बी है, बीगल में भी बी है, बाग्ड में बी है, यानी कि तीनों जो वर्ड कंटिन्यूअस लिखे गए हैं उसमें से उनमें से फर्स्ट जो लेटर है वो तीनों का मैच कर रहा है, तो इसी को हम लोग एलिटरेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन में क्या, रिपीटेशन का मतलब जानते ही हैं, जब एक चीज़ बार बार आता है। रिपीटेड यूज़ ऑफ साउंड्स, वर्ड्स और आइडियाज़ और फॉर इफेक्ट और इम्फेसिस। इम्फेसिस मतलब उसको फोर्स करने के लिए या उसको ज़्यादा ध्यान आकर्षित करने के लिए, जब हम एक ही वर्ड को बार बार यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन। जैसे आई कॉन्ट रीड, आई कॉन्ट राइट, आई कॉन्ट स्पेल, यानी यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यहाँ पर, तो इसमें आई कॉन्ट जो है वो 3 बार रिपीट किया गया है उसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसके इफेक्ट को दिखाने के लिए, तो ये हो जाता है रिपीटेशन। उसके बाद आता है आपका ऑनोमेटोपोया। ऑनोमेटोपोया जो है ये आप समझ लीजिए कि जब भी कहीं साउंड वाला वर्ड आता है, यानी जिस वर्ड से हमको किसी तरह का साउंड का पता चलता है, अ वर्ड दैट साउंड्स लाइक द थिंग इट नेम्स, लाइक स्प्लैश, शॉट, क्रंच। स्प्लैश मतलब पानी का छीटा, शॉट मतलब जब गोली चलती है, क्रंच मतलब जब जब किसी चीज़ को हम मरोड़ते हैं तो एक आवाज़ आती है, क्रंच। ठीक है, या फिर कोई अगर हम चोकोबार या कोई चॉकलेट खाते हैं तो एक जो आवाज़ आती है तो उसको हम लोग क्रंच बोलते हैं, यानी काट के खाने से जो आवाज़ आती है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये पॉइंटी डिवाइसेस को अच्छे से समझे हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हम क्लास 8 गुलमोहर का जो पोएम पढ़े हम लोग, अनफोल्डिंग बर्ड। ठीक है, क्या पोएम का नाम था? पोएम का नाम था अनफोल्डिंग बर्ड। ठीक है, और ये लिखा गया था एक जापानीज पोएट के द्वारा, जिनका नाम था या जिनका नाम है नाओशी कोरियामा। तो हम डिस्कस करते हैं कि इस अनफोल्डिंग वर्ड में कौन कौन सा पोएट्री डिवाइस यूज़ किया गया है। तो सबसे पहले देखिए इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है? इमेजरी जो वर्ड है इमेज से बना है। इमेज का मतलब होता है एक तरह का, मान लीजिए प्रतिबिंब, एक पिक्चर। द पॉट प्रोड्यूसेस द पिक्चर ऑफ ए बर्ड अनफोल्डिंग इन द माइंड्स ऑफ द पीपल हु आर रीडिंग और लिसनिंग टू इट। जब हम जैसे मान लेते हैं फ्लड, अगर हम फ्लड वर्ड को अगर हम बोलते हैं या सुनते हैं तो दिमाग में एक पिक्चर बनता है कि बहुत पानी होगा, चारों तरफ पानी ही पानी होगा, बहुत सारे घर डूबे होंगे, लोग पानी में तैर रहे होंगे, या फिर बहुत सारे नाव के द्वारा बचाया जा रहा होगा लोगों को। तो जिस वर्ड को बोलने से या सुनने से हमारे दिमाग में एक तरह का पिक्चर आता है, इमेज आता है, तो उसी को हम लोग इमेजरी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा रिपीटेशन है। रिपीटेशन मैंने आपको बताया, द वर्ड अनफोल्डिंग एंड अगेन हैव बीन रिपीटेडली यूज्ड टू एम्फसाइज ऑन द आइडिया ऑफ हाउ द इनर मीनिंग ऑफ अ पोएम इज स्लोली रिवील्ड व्हेन वन रीड्स इट अगेन एंड अगेन। तो मैंने आपको बताया कि पोएम में क्या बताया गया, पोएम में पोएम को एक अनफोल्डिंग बर्ड के रूप में बताया गया है। पोएम हमें शुरुआत में हमें कोई स्ट्रेंज नहीं लगता है, कोई सरप्राइजिंग नहीं लगता है, क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं। जब हम धीरे धीरे पोएम को गहराई से समझना शुरू करते हैं, यानी कि जब धीरे धीरे कली जो खुलना शुरू करता है, तब हम कली के अंदर कलर और उसका जो फैलाव है, डायमेंशन, उसको देख पाते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है एक पोएम को समझा कब जाता है, जब हम उसको बार बार पढ़ते हैं और समझते हैं, जब हमें अच्छा लगने लगता है तभी वो जो है हमें काफ़ी सरप्राइजिंग लगता है। तीसरा है आपका मेटाफर। मेटाफर मैंने आपको बताया, जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जैसे टाइम इज़ मनी मैंने बताया, तो थ्रू द पोएम अनफोल्डिंग बर्ड द पोएट मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन एन अनफोल्डिंग बर्ड एंड पोएट्री विच हैव नथिंग इन कॉमन एक्सेप्टिंग फॉर द फैक्ट दैट बोथ रिवील देयर इनर ब्यूटी स्लोली। अब पोएम और अनफोल्डिंग बर्ड में क्या कुछ सिमिलरिटी, क्या कंपैरिजन होगा? कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी उसको कंपेयर किया गया है और बताया गया है कि जिस तरह से पोएम को हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तब समझते हैं, बार बार पढ़ना पड़ता है, उसी तरह एक कली जो होती है, जैसे फूल खिलता है, फूल खिलती है, वो कली धीरे धीरे जो है खुलती है। ठीक है, आशा करते हैं आप इसको समझ में आया आपको। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।